हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमेंद्र मौर्य और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो नई टिप्स और नई ट्रिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैसे विंडो 10 में गेट हेल्प एंड सपोर्ट के पॉपअप को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैं 3rd वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि विंडो 10 का जो है पॉपअप या विंडो 7 का पॉपअप जो रिमूव नहीं हो पा रहा है और जिसे शॉर्ट आउट करने में दिक्कत आ रही है। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए थे उनको देखने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो इस वीडियो में आपकी मैं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और जो मैं नए मेथड से इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने विंडो 10 के पॉपअप को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आप कहीं भी अगर मिस करते हैं तो आप इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें, और साथ में लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा है कि सर, हमारी प्रॉब्लम जो है कि शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। जो आपने वीडियो बनाया है वो देखने के बाद हम जब उसको प्रॉब्लम के लिए जो आपका वीडियो के जो जैसे बताया गया है हम वैसे कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है कि कुछ देर के लिए शॉर्ट आउट हो जा रही है और उसके बाद फिर से वो जो पॉपअप है आ रहे हैं। और जो पॉपअप है उसको किस तरह से और हम हटा सकते हैं, तो इसके लिए लोग बोल रहे हैं हमने आपके 2nd वीडियो को भी देखा लेकिन उससे भी हमारा नहीं जा रहा। तो ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो इस किसी किसी के साथ बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने देखा कि कमेंट में कुछ एक लोगों की प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट हो रही, तो इसके लिए मैंने वीडियो अपग्रेड करने की कोशिश की और नए मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। तो इसको आप एक बार जरूर यूज़ करके देखिए और साथ साथ आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम उससे ही सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप इनमें से जो भी आपके मेथड से यूज करके आप देख लें, तो जिससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो आप इसको अपना यूजफुल वीडियो में ला सकते हैं। या जब हम सिस्टम में वर्क करते हैं तो उस समय पर गेट एनी हेल्प का बार बार जब पॉपअप आता है तो इससे बार बार प्रॉब्लम्स होती है। जो हम अपना काम कर रहे होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस होते हैं और उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, और हम इसे बार बार बंद करने के बाद भी ये बार बार आता रहता है। सबसे पहले आपको फ्रेंड क्या करना है, यहाँ पर कि जो आपको सामने डेस्कटॉप पे इसका पॉपअप आपको गेट एंड हेल्प का दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको जो रिमूव करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है और आपको विंडो सिस्टम में के ऑप्शन पे यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर एक रन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर लिख दिया REGEDIT, तो आपको यहाँ पर ये टाइप कर देना है और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर परमिशन के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आपको हैकी करंट यूजर्स के क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक विंडो का विंडोज, तो आपको उस फोल्डर को देखना है यहाँ पर, और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको ये इस वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट इस फोल्डर पर क्लिक करना है, तो जैसे कि यहाँ पर करंट वर्जन, तो यहाँ से नीचे से थोड़ा सा आप इधर उधर भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर करंट वर्जन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको
यहाँ पर एक्सप्ले सॉरी एक्सप्लोर पर आपको जो फोल्डर है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर का फोल्डर आपको मिल जा रहा है एक्सप्लोरर, तो इसको आपको इस फोल्डर पर क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट एडवांस के फोल्डर को ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पर जाकर यहाँ को देखना है आपको एडवांस का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ एडवांस, तो यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ और इस तरह से आप देखेंगे थोड़ा नीचे यहाँ पर एडवांस का आपको ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर इसके बाद आपको क्लिक करना है शो इन्फिनिटी, थोड़ा और ऊपर की तरफ से चेक करता हूँ तो शो इन्फो टिप्स, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है। और डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक टैब खुलेगा और जिस पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ वैल्यू डाटा दे रखा है और यहाँ पर कुछ बेस दे रखा है। तो यहाँ पर डेसिमल आपको नहीं करना है, जो ऑलरेडी सेट है यहाँ पर एक्सा डेसिमल उसको ही रखना है। और जहाँ पर आप वन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको शून्य कर देना है, और इसको शून्य करने के बाद आपको सिर्फ ओके कर देना है। और ओके करने के बाद फ्रेंड आपको इन्फो टिप्स के बाद यहाँ पर आपको लेस कर एडवांस के ऑप्शन पर आ जाना है। और जब आप एडवांस के ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो साइड में खाली जगह दिखाई दे रही है तो आपको इस खाली जगह में आना है। और जब आप इस खाली जगह में आ जाएंगे तो आपको करना क्या है, जो आपका यहाँ पर कर्सर दिखाई देगा आप, और तो आपको यहाँ पर उस आपको यहाँ पर जो कर्सर दिखाई देगा और उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है आपको। और जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डीबग ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर 32 बिट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है आपको उसे ही सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फाइल दिखाई देगी न्यू वैल्यू हैज वन, तो आपको इस फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यह फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है, तो इसको आपको रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए आप क्या करेंगे, पहले खाली जगह पर क्लिक कर दें और आप उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्यूबर्ड 64 वगैरह, तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको डीबर्ड सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेम लग रहा है इसलिए आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद आपको जो मैंने फ़ाइल बताई यहाँ पर रीनेम करनी है, तो इस फाइल को रीनेम करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। और जब इसके लिए आपको राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेंगे। तो जब आप राइट क्लिक के लिए यहाँ पर कर दिया है जैसे, और यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। रीनेम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से एडिट करने के लिए मांगेगा, तो आपको यहाँ पर नाम दे देना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और आपको भी टाइप करना है ऐसे ही। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो आपको आपको सेम टू सेम वैसे ही टाइप करना है। और जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर लिखना है अनेबल, और जब अनेबल आपका कंप्लीट लिख जाएगा तो आपको थोड़ा यहाँ पर स्पेस छोड़ना है स्पेस, तो यहाँ पर इसको मैं बी लिखा है तो इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको पूरा स्पेस देना है। तो यहाँ पर आपको बलून लिखना है और इसके बाद अनेबल बलून करके यहाँ पर आपको फाइल को यहाँ पर टिप्स वगैरह भी लिखना है आपको, यहाँ पर TIPS टिप्स कर देना है। तो आपको यहाँ अनेबल बलून टिप्स, तो जो मैं स्पेस बता रहा हूँ आपको यहाँ पर नहीं रखना है, तो इसको ये स्पेस थोड़ा आपको यहाँ पर रखना है इसमें। तो जब आप इसको लिख देंगे तो लिखने के बाद यहाँ पर जो आपकी फाइल है एडिट हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी और आपको यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो
आपकी जो फाइल है वो रीनेम हो चुकी है, थोड़ा सा आप कसर को इधर करेंगे तो आपको स्पेस पूरा यहाँ लिखा हुआ दिखाई मिलेगा। और आपको इसको डबल टैप कर देना है, डबल टैप करते ही आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा लिखा हुआ, और आपको साइड से यहाँ से कर लेना है इसको। और आपको यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल, डेसिमल वगैरह, और यहाँ पर जो मैंने अभी रीनेम किया था वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है लिखी हुई इस समय, वो यहाँ पर आपको जीरो दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर जीरो कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो इस वैल्यू को आपको जीरो के अलावा कुछ और मिलेगा, तो आपको इस पर जो डाटा अभी आ रहा है इसको जीरो ही रखना है आपको। अगर एक आता है, दो आता है, या तीन लिखा हुआ होता है, तो आपको इसे जीरो करके ओके कर देना है। और ओके करने के बाद जब आप इसे ओके कर देंगे तो फाइल को ऊपर से साइड से कॉर्नर पर जाएंगे, आप क्लोज कर देंगे इस फाइल को। और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, और डेस्कटॉप पे आप एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे, और उसके लिए फिर आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। और यहाँ पर आपको एक बार अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है, तो उसके लिए आपको पावर बटन पे जाना है। पावर बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन तीन मिल जाएंगे, लेकिन आपको रिस्टार्ट पर सिलेक्ट करना है। और रिस्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो सिस्टम है रीबूट होने लगेगा फिर से। और रीबूट यहाँ पर जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तभी होगा, तो क्योंकि मैं यहाँ पर रजिस्टर पर अब क्लिक करने जा रहा हूँ, और क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर रिबूट होने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और सिस्टम यहाँ पर रिस्टार्ट होना शुरू हो गया है। जब आपका सिस्टम यहाँ पर कम्प्लीटली रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ से फिर से ओपन होगा। ओपन होने के बाद जब अपने आप डेस्कटॉप पर आएंगे, डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको यहाँ पर दो एक बार रिफ्रेश करना है, और जो आपका पॉपअप यहाँ पर बार बार आ रहा था विंडो 10 में, तो जो गेट है ना हेल्प सपोर्ट का पॉपअप बार बार आ रहा था, तो आप यहाँ पर अभी रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पॉपअप है वो इस समय नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ये परमानेंटली रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और ये दोबारा से वापस आ रहा है, तो यहाँ पर आप कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर तो फ्रेंड आपने यहाँ पर देखा कि हमने गेट हेल्प एंड सपोर्ट के पॉपअप को किस तरह से परमानेंटली रिमूव कर दिया है, और जो कि आगे से आना बंद हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपका इससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है और पॉपअप आ रहा है, तो आपके नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया गया है तो वहाँ पर आप कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएँ कि किस तरह से यहाँ पर आपका जो पॉपअप है बार बार आ रहा है, और किस वीडियो के देखने से आपने इसको कमेंट में किया है। जैसे विंडो है वगैरह जो भी है, आपको लगता है जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को पूरी पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।